नमस्कार, सलाम अलैकुम। आज मैं जर्नलिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहूँ। सबसे पहली बात यह है, जैसे ही अपन जर्नलिस्ट के बारे में सोचते, यहाँ पर अपन पहला पर्सनल अकाउंट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ये पर्सनल अकाउंट के बारे में मतलब नाम, किसी आदमी का नाम, कंपनी का नाम। आदमी का नाम नेचुरल पर्सन बोलते, आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी का नाम वगैरह बोलते। तो यहाँ पर एक रूल रहता, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिस आदमी को फायदा हो रहे उसका आदमी का अकाउंट डेबिट करना, जिस कंपनी दे रही पैसे जो देने वाला का अकाउंट क्रेडिट करना। मतलब क्या है, तो मिलने वाले का डेबिट करना, देने वाले का क्रेडिट करना चाहिए। वैसे रियल अकाउंट के बारे में सोच लो, कंपनी का जायदाद, जो भी कंपनी का असर से जायदाद रहता, ये कंपनी के या बिजनेस का, कोई भी बिजनेस का जनरली क्या होता, लैंड, मशीनरी, कैश वगैरह अपना जायदाद होता बिजनेस का। इसका जो है एंट्री है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी बिजनेस के अंदर आ रहे उसको डेबिट करना, जो भी बिजनेस से बाहर हो रहे उसको क्रेडिट करना। तो और रही बात नॉमिनल अकाउंट, बिजनेस में बहुत सारे खर्चा रहता, फायदे रहता, नुकसान रहता, खरीदना बेचना ये सब रहता बिजनेस में, वो सब क्या है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते। यहाँ पर जो रहता, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पर जो भी खर्चा है, जो भी नुकसान है बिजनेस का, उसे डेबिट करना। जो भी फायदे है, जो भी आमदनी है, उसको अपन क्रेडिट करना। फिलहाल अपन एक सम करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहला एक जर्नल एंट्री है। इससे पहले मैं ये फॉर्मेट समझा दूँ। हमेशा अपन जर्नल एंट्रीज में बुक्स ऑफ नाम लिखना कंपनी का, और फॉर द ईयर एंडेड या कोई भी है डेट लिखना। उसके बाद में डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ये पांच कॉलम का जरूरत रहता, ये पांच कॉलम बनाना चाहिए। और रही बात, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे। पहले जनवरी पहली तारीख को, फर्स्ट तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर, बोल के अकबर से पैसे आ रहे। ये अकबर का नाम क्या रहता, पर्सनल अकाउंट में आता, और रही कैश का नाम रियल अकाउंट में आता। तो अकबर दे रहे या अकबर को मिल रहे पैसे, ये पहले सोचना अपना काम है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर, तो अकबर अपने को दे रहे पैसे, सो देने वाला का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए अपन, एज पर द रूल क्रेडिट द गिवर। तो अकबर दे रहे उसको क्रेडिट कर दिया अपन। तो वैसे ही अपने को पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहे डेबिट करना, जो इसलिए डेबिट कर दिया। जो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू अकबर अकाउंट लिख दिया। उसका नरेशन क्या लिखे अपन, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम अकबर, उतना ही सिंपल। और रही बात दूसरी एंट्री, पांच तारीख को अपन कैश परचेजेस, नगद से खरीदा अपन। जब खरीदे तो क्या होता, पैसे जाता, उसके बदले में माल आता, गुड्स आता। या यहां पर देखिए, परचेज मतलब नॉमिनल अकाउंट में आता, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। खरीदना बिजनेस के लिए खर्चा है, वो खरीदने के लिए अपना रियल अकाउंट का जो पैसे जो जाना ही पड़ता बाहर, जब नगद से खरीदे तो पैसे चले जाते। तो इसका यह क्या एंट्री है, यहां पर कैश परचेज, कैश रियल अकाउंट में है, परचेज नॉमिनल अकाउंट में है। सो परचेज खरीदना है इसलिए एक्सपेंडिचर है, इसलिए डेबिट कर दिया। उसी समय अपना कैश निकल जा रहा है बिजनेस से, उसको क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या होता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। रही बात और सात तारीख का, सात जनवरी का पेड कैश टू राम, आपने राम को पे कर रहे। यहां पर किसको फायदा हो रहे, राम को फायदा हो रहे, और अपने लिए कैश चले जा रहे, अपने लिए कैश चले जा रहे। सो जिस अकाउंट, जिस आदमी को फायदा हो रहा है उसका अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, उसी समय अपना कैश अपने बिजनेस से निकल जा रहे इसलिए उसको क्रेडिट कर रहा हूं। यहां पर जो बात है, यहां पर पेड कैश टू राम, राम पर्सनल अकाउंट में आता उसको डेबिट कर दिया, और कैश रियल अकाउंट में आता उसको क्रेडिट कर दिया। यहां पर राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड कैश टू राम। रही बात अब अपने को 12 तारीख का कैश सेल्स है, नगद पे बेचा। बेचना मतलब क्या है, फायदा है अपने को, आमदनी आता। खरीदे तो खर्चा है, बेचे तो आमदनी आता, पैसे आता, इनकम होता। तो नॉमिनल अकाउंट के जरिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, हमेशा सेल्स क्रेडिट में रहता, तो सेल्स को क्रेडिट डाल दिया। तो जब सेल करे तो अपने को पैसे आ रहे, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे, नगद आ रहे, नगद कहाँ था, रियल अकाउंट में आता। डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया। और रही बात अपने को 13 तारीख का क्रेडिट सेल्स टू रॉबर्ट, क्रेडिट मतलब उधार में बेच रहे। पहला एंट्री क्या है, नगद में बेच रहे, पैसे आ रहे, गुड्स चले जा रहे। और यहां एंट्री
गुड्स चले जा रहे, पैसे नहीं आ रहे फिलहाल, बाद में आएगा, अभी तो नहीं आ रहे। तो किसको फायदा हो रहा है अभी? रॉबर्ट को रहे। रॉबर्ट कौन सा अकाउंट में आता? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या बताते हैं यहां पर? डेबिट द रिसीवर। तो रॉबर्ट अकाउंट डेबिट कर दिया, अपने लिए सेल्स क्रेडिट है। और रही बात यहां पर अपने को 18 तारीख का क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम अमन, उधार में खरीद रहे अपन, खरीदना खर्चा है, हर खर्चे को डेबिट करना नॉमिनल अकाउंट के जरिए, तो इसलिए परचेज को डेबिट कर दिया। तो किसने दे रहे ये गुड्स उधार में? अमन दे रहे। तो अमन अपने को दे रहे, फायदा देने वाला है, तो इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो अमन से अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन से अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर आप समझ सकते, जब अपन नगद से खरीदे तो कैश चले जा रहे, उधार में खरीदे तो नाम आ रहे। यहां पर नगद पे बेचे तो कैश आ रहे, नगद उधार में बेचे तो नाम आ रहे, कैश के जगह नाम आ रहे, क्योंकि फिलहाल कैश नहीं आ रहे, बाद में आएगा। और रही बात 24 जैन का रिसीव्ड कमीशन ₹200, तो इसका मतलब है बाय कैश, बाय कैश बोल के समझना, कमीशन मिल रही, हर फायदे को क्रेडिट करना, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, फायदा है बिजनेस के लिए क्रेडिट कर रूं मैं। तो फायदा कैसे आ रही? कैश के जरिए आ रहे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट लिख दिया। और रही बात आखिरी एंट्री 27 को, पेड रेंट बाय चेक, चेक बोले तो बैंक के जरिए पैसे जा रहे, बैंक बोले तो वो क्या रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन में आता, तो बैंक के जरिए पैसे जा रहे हैं, फिलहाल बैंक के जरिए पैसे जा रहे। तो रेंट अपने लिए खर्चा है, हर खर्चे को डेबिट करना, पेमेंट कहां से हो रहे? बैंक के जरिए हो रहे, टू बैंक अकाउंट बीइंग पेड रेंट बाय चेक ₹2000 के लिए। सो फिलहाल अपने को यहां समझने की बात है, अगर जर्नल एंट्रीज मालूमात रहना बोले तो अपने के रूल्स पर पकड़ रहना, ये रूल्स को पहले समझ में आ जाना, कौन से रूल कब अप्लाई करना। ओके, शुक्रिया वॉच करने के लिए, अगर आपको पसंद आया वीडियो आप सब्सक्राइब कर सकते, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।